कानून व्यवस्था हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। इसके साथ किसी भी किस्म का खिलवाड़ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो या किसी भी पद पर हो, अगर दोषी पाया जाता है उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। और आप सब, मेरा मतलब सब, किसी भी दबाव में ना आए। हम हैं आपके साथ। हमारे एंड से जो भी चाहिए बेहिचक कहिए। और खन्ना साहब, मलियाबाद की स्थिति गंभीर है। हम चाहते हैं कि आप अपना सबसे काबिल अफसर तुरंत वहां भेजिए। रघु, सता रहा है आपको, पता है ना, निकाह तय हो चुका है उसका। पता नहीं कब जाने लग गए हम उसे, लेकिन हम गलत नहीं है, कोई गलती नहीं की। जानते हैं हम, पूरा भरोसा है हमको तुम पर। अब चलो कुछ खा लो और कॉलेज जाओ। क्या भाई, कहाँ था तू? कॉलेज क्यों नहीं आ रहा था? अजय यार, तबीयत सही नहीं चल रही थी। अच्छा, क्या हुआ? चल लाइब्रेरी जा रहे हैं, चल रहे साथ? ठीक है, आओ चलो। क्या हुआ? रघु है ना? अरे हाँ, जा जा जा, ज़ैनब को बोल जा। ठीक है। रघु, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। Keep quiet। मुझे इनसे बहुत जरूरी बात करनी है। Anyone has any problem? सेनब, सीन क्यों क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर? सीन क्रिएट हुआ नहीं है, मगर हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर मुझे पुरानी पुलिया पे मिलो, वरना वही पुलिया से कूद कर जान दे दूंगी। रघु और जैनब का
बोलिया। मोहब्बत करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें नहीं पता कि मैं किसी और की अमानत हूं? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम बात समझने की कोशिश तो करो यार। गलतफहमी है यार तुम्हारी। गलतफहमी? खाओ मेरी कसम कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। खामोशी से जवाब मिल गया है मुझे। क्यों किया तुमने ऐसा? यार कैसे समझाएं तुम्हें हम? यार कोई जान के करता है क्या? हो जाता है अपने आप। मैं भी हो गया। घर प्यार का अंजाम निकाह या शादी तो नहीं है ना सैनब? तुमने एक बार के लिए भी नहीं सोचा कि जब मुझे इसका पता चलेगा तो मुझ पर क्या गुजरेगी? ये बोल सकते थे हम। बहुत पहले तुम्हें कह चुके होते कि तुम्हारी दोस्ती को नहीं होना चाहते थे, इसलिए चुप रहे। कुछ नहीं, उम्र दोस्ती तो बनी रहेगी ना जरा। रघु बोलो, मैं क्या करूं? अधिग्रहण कानून के खिलाफ 4 तारीख को हमें दिल्ली में विरोध दर्ज करना है। हमारी रणनीति क्या होगी इसका फैसला हम सब लोग बैठकर पंचायत में करेंगे। प्रभु सलीम कॉलेज के पीछे पुरानी पुलिया पे मुस्तकीन ने रघु को मार डाला।
जो हुआ बहुत बुरा हुआ। बुरा क्या हुआ? तुमने मारा नहीं है, तुमने तो इस्लाम की हिफाजत की है। ये काफिर हमारी लड़कियों को बरगलाकर हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कब तक चुप बैठोगे मियां? कोई ना कोई तो हथियार उठाएगा ही। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तुम्हें भी यही करता। हम गुस्से में जरूर थे लेकिन इतने पागल नहीं है कि किसी को जान से मार दें। इस्लाम जोड़ने वालों का मजहब है, तोड़ने वालों का नहीं। आप लोगों की यही बातें तो इस्लाम को कमजोर कर रही है जनाब, और इसका फायदा ये काफिर उठा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों सिर्फ दोस्त थे। अरे भाईजान आप चुप रहिए। ये सब आप ही की ढील का नतीजा है। हमें पुलिस के पास जाना होगा। माहौल पहले से खराब है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका खामियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़े। हम तैयार हैं। चौधरी साहब संभालिए अपने आप को, FIR दर्ज करानी होगी। देखिए किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, विश्वास रखिए। FIR दर्ज करने से कुछ नहीं होगा, खून का बदला खून से लिया जाएगा। देखिए जो हुआ बुरा हुआ, हमें आप लोगों के साथ सहानुभूति, किसी को नहीं छोड़ेंगे। चौधरी साहब आप समझाइए इन लोगों को। चौधरी साहब खामोश है लेकिन हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। हमारा बेटा गया है। चौधरी साहब यह शहर आपका है, अगर आज आपने हमारा साथ नहीं दिया तो इस शहर को जलने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने हमेशा न्याय का साथ दिया है। आज भी दूंगा लेकिन मुझे आपसे भी यही उम्मीद है। ले जाइए इसे पोस्टमार्टम के लिए। ऐसे कैसे होगा पोस्टमार्टम? भाई मराया मरा। विधायक जी शहर का माहौल बहुत खराब है, हमारा सहयोग कीजिए। अरे हम लोग तो सहयोग ही कर रहे हैं पांडे जी, सौतेला व्यवहार तो आप कर रहे हैं। बताइए क्या मिला चौधरी जी, सहयोगी तो कर रहे थे। हमें अपना ड्यूटी करने दीजिए, आप अगर ड्यूटी कर रहे होते तो ये नौबत नहीं आती। अब चिता तभी जलेगी जब उधर से भी जनाजा हो। हमें अपना काम मत समझाइए। हम जानते हैं आप यहाँ क्यों आए। विधायक जी से बहस कर रहे हैं। शांत हो जाइए आप लोग। हमारा बेटा मरा है विवेक, नहीं मैं अपने बेटे की लाश पर राजनीति नहीं होने दूंगा। पांडे जी मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा। Thank you.
अभी भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो हिंदू हित के काम ना आए वो बर्बाद जवानी है। मगर आप लोग की जवानी क्या है? आपके धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, आपके देवताओं को गाली दी जाती है, आपकी बहू बेटियों को ना सिर्फ छेड़ा जाता है बल्कि छल प्रपंच से उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और आप लोग चुप बैठे। आपको तो पता है ना कि चौधरी के बेटे के साथ क्या हुआ है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप भूल गए हैं कि आप क्या थे और क्या हैं। आप भूल गए हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। आप ये भी भूल गए हैं कि आगरा, मेरठ, मथुरा और गोधरा में क्या हुआ था। चलिए छोड़िए, आप तो ये भी भूल गए हैं कि बस्ती, अमेठी और मलियाबाद में क्या हो रहा है। तो क्या बात करें भैया जी, आप आदेश करो, हम एक सीट बजा देंगे। क्या भाइयों, इतिहास सिर्फ वीरों का होता है, कायर कभी इतिहास नहीं बनाते। वीर भोग्य वसुंधरा, आप संगठन और क्षेत्र के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपका दायित्व तो है कि कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि आपके क्षेत्र में ना होने पाए, ना गोकशी ना ही पाकिस्तान के झंडे। एक बात और, जिन्हें भारतवर्ष अपनी मातृभूमि नहीं लगती उन्हें यहां से जाना है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आप सब समझदार हैं और क्या करना है आपको पता है। बाकी राम जी।